नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेलवे एम्प्लॉई को पास और पीटीओ किस प्रकार के मिलते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के पास पीटीओ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने पास और पीटीओ की डिटेल्ड वीडियो बनाई जिसमें क्लास वन के पास पीटीओ के बारे में भी जिक्र किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय के पास पीटीओ के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली जिसकी सर्विस 5 ईयर से बिलो रहती है, 5 साल से कम रहता है, उसे एक पहले से लेके 5 साल तक में एक पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलता है पूरे साल में। पीटीओ पे आपको दो तिहाई रेलवे बेयर करती है, एक तिहाई आप पे करते हैं, और पास फुल्ली फ्री रहता है जहाँ से ओरिजिनेशन से डेस्टिनेशन, यानी ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन तक कहीं का भी आप ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और 5 साल के बाद आपको 3 पास और 4 पीटीओ रहता है। तो जहाँ तक बात करें हम ग्रुप डी एम्प्लॉय में, जो कि अब ग्रुप सी ही हो गया है, 1800 ग्रेड पे में, तो एक उनको क्लास ए पास मिलता है पहले 5 साल में, बाकी चार पीटीओ मिलता है उनको, और वो स्लीपर क्लास का। लेकिन ये जो क्लास ए पास है वो उनका 1/3 AC का उनको पर ईयर मिलता है। यही चीज़ जब उनका 5 ईयर एंड अबव हो जाएगा, अगर ग्रेड पे वही है तो 1/3 AC का क्लास ए पास मिलेगा, उसके बाद बाकी उन्हें स्लीपर क्लास का पीटीओ और स्लीपर क्लास का 2 और पास मिलेगा। अब बात करते हैं 1900 ग्रेड पे में, 1900 ग्रेड पे में, लेकिन 2800 से नीचे सेम सिचुएशन रहता है उनका भी, कि 1/3 AC का पास मिलेगा और बाकी पास जो रहेंगे, वैसे पहले 5 साल में तो एक ही पास रहता है, अगर 5 साल से अबव है तो बाकी 2 पास जो है उनको स्लीपर क्लास का रहेगा और पीटीओ स्लीपर क्लास का रहेगा। 2800 ग्रेड पे में जाने के बाद, यानी ये बिलो 2800 था, अब ये प्रॉपर 2800 ग्रेड पे में अगर आप हैं तो सेकंड क्लास ए पास मिलता है, यानी आपको 3rd AC का पास मिलता है ट्रैवल करने के लिए, 3rd AC का पीटीओ रहता है ट्रैवल करने के लिए। जब आप 3 पास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो 3 पास का रहता है, जब आप एक के लिए रहते हैं तो एक के लिए, और पीटीओ में 2/3 रेलवे बियर करेगी और 1/3 आप पे करके आप 3rd AC में ट्रेवल कर सकते हैं। और जब आप 4200 ग्रेड पे एंड अबव हैं तो उस स्थिति में आपको 2nd AC का पास दिया जाता है और 2nd AC का पीटीओ दिया जाता है। 5 साल से पहले 1 पास 4 पीटीओ और 5 साल के बाद 3 पास और 4 पीटीओ दिया जाता है 2nd AC का ट्रेवल करने के लिए, जो 4200 ग्रेड पे एंड अबव है अकॉर्डिंग टू 6th पे कमीशन। तो ये थी छोटी सी जानकारी पास पीटीओ के बारे में। और हाँ, आपके रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी सर्विस 20 साल से ज़्यादा हुई है लेकिन 25 साल से कम हुई है तो आपको 1 सेट दिया जाएगा पर ईयर, और अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा हो गई है सर्विस तो 2 सेट पर ईयर आपको पास दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट भी ट्रैवलिंग के लिए, जिस क्लास के लिए आप इंटाइटल्ड हैं। यानी आप अगर 2nd AC के लिए हैं तो 2nd AC, 3rd AC के लिए इंटाइटल्ड हैं तो 3rd AC, और अगर आप स्लीपर क्लास के लिए इंटाइटल्ड हैं तो स्लीपर क्लास का पास आपको दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट टिल डेथ आपके यूज़ के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है रेलवे ज्वाइन करने का। पास पीटीओ का यह छोटा सा वीडियो था, अगर डिटेल्ड वीडियो देखना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।